सीरीज का पहला मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन गुरुवार को बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पांचवे ओवर की अंतिम गेंद पर उमेश यादव ने बांग्लादेश को पहला झटका दिया। वहीं छठवे ओवर में ईशांत शर्मा ने दूसरा झटका दिया। 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिराया। टेस्ट मैच के लिए दर्शक सुबह 7 बजे से ही होलकर स्टेडियम पहुंचने लगे थे। 7:30 बजे से दर्शकों का प्रवेश प्रारंभ किया गया। सुबह 8 बजे दोनों टीम स्टेडियम पहुंची। दर्शकों में युवा वर्ग की संख्या काफी अधिक देखी जा रही है। टेस्ट मैच होने से कई दर्शक आराम से भी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे तक स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वार पर दर्शकों की लाइन लगी दिखाई दे रही थी। स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद है। वहीं टीम इंडिया के टी शर्ट और भारतीय झंडा, तिरंगी टोपी आदि बेचने वाले भी कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं।